हेलो गाइज़ वेलकम बैक टू आर यूट्यूब चैनल तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे प्रोबेबिलिटी के सारे टाइप के क्वेश्चंस ठीक है जितने भी प्रोबेबिलिटी से हमारे क्वेश्चन uh, बनते हैं कार्ड्स के ऊपर बेस्ड वो सारे टाइप हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं ठीक है तो कार्ड्स को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कार्ड्स से हमारे बहुत ही अच्छे अच्छे टाइप के क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं तो कार्ड्स को समझना बहुत ही ज़रूरी है तो देखिए यहाँ पर जो कार्ड्स हैं हमारे पास में चार टाइप के कार्ड्स हमारे पास में होते हैं कौन कौन से कार्ड्स होते हैं देखिए ये वाला जो कार्ड है आपको दिख रहा है ये रेड कलर का ये होता है हमारा डायमंड ठीक है आपको कार्ड्स की कैटेगरीज पता होनी चाहिए ये होता है हमारा हार्ट ये होता है हमारा मैं यहाँ कर रहा हूँ इसे हम कहते हैं स्पैड और ये होता है हमारा क्लब क्या होता है क्लब हिंदी में भी बता देता हूँ इसको बोलते हैं हम हुक्म इसको बोलते हैं ईट इसको बोलते हैं दिल या पान बोल सकते हो और इसको बोलते हैं चिड़ी ठीक है ये हिंदी में हम इसको बोलते हैं जब ताश के पत्ते हम खेलते हैं देखिए यहाँ पर जो हमारे पास में हमारे पास में कार्ड्स होते हैं हर एक टाइप का कार्ड जैसे कि क्लब में देखें ठीक है या डायमंड में हम देखें या हम हार्ट में देखें या हम स्पैड में देखें हर एक टाइप में थर्टीन कार्ड्स आपको देखने को मिलेंगे कितने कार्ड्स टोटल कार्ड्स थर्टीन कार्ड्स यहाँ पर भी थर्टीन यहाँ पर भी थर्टीन यहाँ पर भी आपको थर्टीन कार्ड्स दिखने को मिल रहे हैं और यहाँ पर भी आपको थर्टीन कार्ड्स दिखेंगे ठीक है तो, तो टोटल कार्ड्स कितने होते हैं हमारे पास में थर्टीन देखिए सबसे बड़ा जो कार्ड होता है वो होता है एस क्या होता है हमारे पास में सबसे बड़ा कार्ड बिगर कार्ड अगर हम बोले सबसे बड़ा कार्ड बिगर कार्ड बिगर वेट बिगर वेटेज का कार्ड अगर हम देखें तो वो होता है हमारा एस जिसे हम कहते हैं ए ठीक है एस होता है ठीक है देखिए ये ये रहा, रहा फर्स्ट नंबर पे जो कार्ड होता है एस ठीक है इक्का जिसे हम कहते हैं क्या बोलते हैं जिसे हम कहते हैं इक्का क्या बोलते हैं बेटा इक्का बोलते हैं अब देखिए ये कितने कार्ड्स हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन थर्टीन कार्ड्स हर एक टाइप में थर्टीन थर्टीन कार्ड्स होते हैं अगर हम इन थर्टीन प्लस थर्टीन प्लस थर्टीन प्लस थर्टीन करें तो कितना आएगा हमारा फिफ्टी टू कार्ड्स होते हैं तो आपको देखा होगा आपने कि टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स जो होते हैं वो कितने होते हैं हमारे पास में फिफ्टी टू कार्ड्स होते हैं ठीक है बेटा ये जो होते हैं ना हमारे जिनके ऊपर फेसेस बने हुए होते हैं इनको हम बोलते हैं फेस कार्ड क्या बोलते हैं फेस कार्ड देखिए ये वाले जो हमारे कार्ड्स होते हैं कौन से वाले कार्ड्स जिन पे फेसेस बने होते हैं जैसे आपको ये दिख रहा होगा ये वाले कार्ड्स ये वाले कार्ड्स ये हमारे कौन से कार्ड से फेस कार्ड इन कार्ड्स को हम बोलते हैं फेस कार्ड यहाँ मैं लिख रहा हूँ क्या बोलते हैं इनको फेस कार्ड और जो फेस कार्ड होते हैं ये टोटल होते हैं हमारे देखिए यहाँ पर थ्री होंगे यहाँ थ्री 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 तो थ्री इंटू फोर अगर हम करें तो ट्वेल्व ट्वेल्व फेस कार्ड्स हमारे होते हैं कितने कार्ड्स होते हैं हमारे फेस कार्ड्स ट्वेल्व फ़ेस कार्ड्स हमारे पास में होते हैं ठीक है देखिए ये फेस कार्ड्स प्लस एस को अगर हम मिला दें तो इनको बोलते हैं हॉनर कार्ड ठीक है ऑनर कार्ड टोटल कितने ऑनर कार्ड होते हैं देखिए फेस कार्ड तो ट्वेल्व हो गए प्लस फोर ये हो गए तो सिक्सटीन हॉनर कार्ड होते हैं कितने हॉनर कार्ड होते हैं हमारे पास में सिक्सटीन हॉनर कार्ड होते हैं क्योंकि इनका वेटेज ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू जिनके ऊपर नंबर्स लिखे हुए हैं तो, उनसे ज़्यादा इनका वेटेज होता है मतलब कुल मिला के ये बहुत ही अच्छे वाले कार्ड होते हैं जे फेस कार्ड हुए हैं या एस हुआ ये सबसे बिगर कार्ड है हमारा ठीक है चलिए अब देखिए ये हमारे टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स हो गए ये बस ये नॉलेज आपके पास में होनी चाहिए क्लब किसे कहते हैं डायमंड किसे कहते हैं अब एक बात और कि अगर हम रेड कार्ड की बात करें तो रेड कार्ड कितने होंगे तो दो टाइप के हमारे कार्ड होते हैं देखिए अगर हम कलर के हिसाब से हम देखें तो एक तो रेड होगा हमारे पास में और एक होगा हमारे पास में ब्लैक ये दो कलर ही हमारे पास में देखने को मिलते हैं कार्ड्स के अंदर अब रेड कार्ड के अगर हम कार्ड्स uh, देखें तो कितने होंगे देखिए रेड कार्ड में थर्टीन प्लस थर्टीन होगा टोटल हमारे पास में ट्वेंटी सिक्स सिमिलरली यहाँ पर ब्लैक कार्ड में थर्टीन प्लस थर्टीन टोटल हमारा ट्वेंटी सिक्स होगा है ना रेड कार्ड कौन कौन से हो गए एक तो हो गया हमारा डायमंड वाला क्या हो गया एक डायमंड वाला और एक हो गया हमारा ये वाला कौन सा दिल जिस पे बना हुआ है हार्ट एच हार्ट वाला ऐसे ही हमारा ब्लैक कार्ड कौन कौन से हो गए क्लब वाला और स्पेड वाला मतलब एस वाला ठीक है ये आपको नॉलेज होनी चाहिए किंग क्या होता है जे क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए जे जे क्यू क्यू मींस क्वीन जे मींस जैक ठीक है क्यू मींस क्वीन के मींस किंग ठीक है ये आपको पता होना चाहिए ए मींस एस हो गया और ये नंबर कार्ड होते हैं हमारे 2 3 4 5 के जितने भी होते हैं ये नंबर कार्ड्स होते हैं हमारे ठीक है जो नंबर्स होते हैं हमारे पास में कार्ड्स के ऊपर वो होते हैं टू से लेके टेन तक टू टू टेन टू टू टेन अगर आप काउंट करोगे तो कितने होते हैं टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन ठीक है टोटल कितने कार्ड्स होते हैं नाइन कार्ड्स होते हैं हमारे पास में तो नंबर कार्ड अगर हम देखें टोटल तो नाइन प्लस नाइन प्लस नाइन प्लस नाइन अगर हम करें तो कितना होगा नाइन को इंटू कर दो आप किससे से फोर से तो थर्टी सिक्स नंबर कार्ड्स होते हैं हमारे पास में कितने नंबर कार्ड्स होते थर्टी सिक्स नंबर कार्ड्स होते हैं फेस कार्ड्स हमारे पास में ट्वेल्व कार्ड होते हैं और एज जो होते हैं वो टोटल कितने होते हैं फोर टोटल एज जो होते हैं मतलब इक्के जो होते हैं हमारे पास में हर एक का एक एक इक्का होगा तो फोर एज होते हैं हमारे पास में ये नॉलेज आपको होनी चाहिए कार्ड्स के बारे में ठीक है अब चलिए आगे आपने ये नॉलेज कर ही ली ठीक है ये आपको समझ में आ गया कि कार्ड्स में क्या क्या होता है अब हम क्वेश्चन करते हैं इनके और क्वेश्चन से देखते हैं हम किस टाइप के क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं चलिए यहाँ पर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ फिफ्टी टू कार्ड्स ईच ऑफ द फिफ्टी टू कार्ड्स इक्वली लाइकली टू बी ड्रॉन फाइंड द प्रॉबिलिटी एट द कार्ड ड्रॉन इज एन एस एस आने की प्रॉबिलिटी आपको बतानी है देखिए प्रॉबिलिटी आपको पता होना चाहिए कि प्रॉबिलिटी होता क्या है तो प्रॉबिलिटी का सिंपल सा फॉर्मूला होता है कि नंबर ऑफ़ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स ठीक है उससे हमारी क्या निकलती है प्रॉब्लिटी निकलती है और प्रॉब्रिटी हमेशा ध्यान रखना जीरो से तो ग्रेटर होगी और लेस देन वन होगी वन से कम होती है हमारी प्रॉबिटी वन से ज्यादा कभी प्रॉब्लिटी नहीं हो सकती है ठीक है अब यहाँ पर देखिए जो एस है ठीक है जीरो या जीरो से ग्रेटर देखो प्रॉबर्टी अगर बनेगी नहीं तो जीरो प्रॉब्लिटी भी हमारी हो सकती है ठीक है इंपॉसिबल इवेंट जिसे हम कहते हैं जिनका जीरो होता है हमारा प्रॉब्लिटी तो जीरो या जीरो से ग्रेटर आपकी प्रॉबलिटी बनेगी लेकिन वन से लेस देन प्रॉब्लिटी होगी आपकी वन से कभी भी ज़्यादा प्रॉब्लटी नहीं होगी ठीक है अब यहाँ पर देखिए एस की आपको प्रॉब्लटी बतानी किसकी इस एस की प्रॉब्लटी बतानी कि एस की क्या प्रॉबलिटी बनेगी तो देखिए एस एस कितने होते हैं टोटल टोटल आप कहोगे टोटल एज सर हमारे चारों में होंगे तो चार एस होंगे ठीक है तो टोटल एस टोटल नंबर ऑफ़ फेवरेबल आउटकम्स एस की हम प्रॉबलिटी बना रहे हैं तो फोर ठीक है फेवरेबल आउटकम्स में क्या आ गया फोर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ़ आउटकम्स मतलब टोटल कार्ड्स कितने हैं फिफ्टी टू तो फोर अपॉन फिफ्टी टू यहाँ पर क्या बनेगी इसकी प्रॉबिटी बनेगी फोर अपॉन फिफ्टी टू को हम सॉल्व कर सकते हैं तो फोर अपॉन फिफ्टी टू को अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा वन बाय थर्टीन ठीक है तो जो प्रॉबिटी बन के आएगी हमारी Ace की वो कितनी बन के आएगी वन बाय थर्टीन क्लियर है बात चलिए रेड की बनाते हैं अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है रेड तो रेड कार्ड कितने होंगे अभी मैंने आपको बताया रेड कार्ड कितने थर्टीन हमारे डायमंड के और थर्टीन हमारे किसके थर्टीन हमारे आ, 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 क्या बोलते हैं उसे हार्ट के तो हार्ट और डायमंड इनके थर्टीन थर्टीन कार्ड्स हो गए तो रेड कार्ड कितने हो गए ट्वेंटी सिक्स कार्ड्स हो गए थर्टीन 13 ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी सिक्स डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स मतलब फिफ्टी टू कार्ड्स है तो ट्वेंटी सिक्स अपॉन फिफ्टी टू ट्वेंटी सिक्स अपॉन फिफ्टी टू को जब हम रिड्यूस करेंगे तो ट्वेंटी सिक्स वन या ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी सिक्स टू या फिफ्टी टू तो हमारी जो प्रायरिटी बन के आएगी रेड कार्ड की वो कितनी आएगी वन बाय टू ठीक है ऐसे ही इधर रेड और किंग देखो ये वाला केस इंपॉर्टेंट है ये समझना आपको जरूरी है रेड और किंग इधर रेड और किंग और रेड एंड अ किंग ये दोनों केसेस आपको समझने जरूरी है देखिए इधर रेड और किंग मीन्स होता है कि रेड भी रेड के साथ में किंग को भी आपको लेना है तो इधर रेड तो रेड कार्ड तो कितने हो गए तो आप कहोगे सर रेड कार्ड हमारे हो गए रेड कार्ड हो गए हमारे थर्टीन प्लस थर्टीन कितने 26, 26 के साथ में एक किंग भी आ गए अब किंग में क्या गलती करोगे आप यहाँ पर 26 सिक्स प्लस फोर कर दोगे जबकि वो गलत है क्योंकि रेड कार्ड के अंदर अपना किंग आ चुका है ठीक है रेड कार के अंदर जैसे डायमंड के आपने थर्टीन लिए तो डायमंड का किंग यहाँ पर है ठीक है ऐसे ही आपने किसका किंग क्या बोलते हैं जिसे हम डायमंड uh, के साथ में रेड कौन सा होता है और हार्ट तो हार्ट के भी हमने क्या ले लिए हार्ट के भी हमने किंग ले लिया है यहाँ पर थर्टीन कार्ड्स के अंदर इंक्लूड uh, है हमारा किंग ठीक है तो हमें दो किंग तो लेने नहीं है दो किंग बचे हैं हमारे किसके स्पेड और क्लब के तो इसको हम ऐड कर लेते हैं तो ट्वेंटी सिक्स प्लस टू तो टोटल कितने फेवरेबल आउटकम्स हो गए ट्वेंटी एट ट्वेंटी एट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स मीन्स टोटल नंबर ऑफ़ कार्ड्स कितने हैं फिफ्टी टू चलिए तो 28 एट डिवाइड बाई फिफ्टी टू बनी ट्वेंटी एट डिवाइड बाई फिफ्टी टू हम सॉल्व करें अगर तो कितना बनता है तो 28 एट डिवाइड बाई फिफ्टी को सॉल्व कर लेते हैं टू वन 24 टू टू फोर और ये 26 बार ऐसे टू सेवन जा और ये टू वन जो सेवन बाय थर्टीन ठीक है तो जो प्रॉब्लिटी बन के आएगी वो कितनी बन के आएगी सेवन बाय थर्टीन हमारी प्रोबेबिलिटी यहाँ पर बन के आएगी ठीक है अब देखिए रेड एंड अ किंग को समझिए रेड एंड अ किंग मतलब रेड हो और रेड के साथ में किंग भी होना ज़रूरी है थीके? मतलब ऐसे किंग आपको बताने जो रेड हो कुल मिलाकर ये ये कहना चाहिए रेड एंड अ किंग रेड और किंग ठीक है तो रेड एंड अ किंग मतलब रेड के साथ में किंग भी हो तो रेड एंड अ किंग तो किंग बताने आपको तो किंग दो ही किंग है जो कि रेड है क्या दो ही किंग है जो कि रेड है तो दो ही किंग फेवरेबल आउटकम्स टू डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स मतलब फिफ्टी तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा वन बाय ट्वेंटी तो रेड एंड अ किंग की जो प्रायरिटी बनेगी वो वन बाय ट्वेंटी बनेगी ठीक है फेस कार्ड तो फेस कार्ड में आपको बता चुका हूँ फेस कार्ड कितने होते हैं टोटल टोटल फेस कार्ड्स हमारे होते हैं देखिए हर एक कैटेगरी में तीन तीन फेस कार्ड्स मिलेंगे आपको जैक क्वीन और किंग ठीक है तीन 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 तो ट्वेल्व फेस कार्ड्स होते हैं हमारे ट्वेल्व डिवाइडेड बाय हम फिफ्टी टू करेंगे तो कितना जाएगा चार तिया बारह चार एकम चार चार दिया बारह थ्री तो बाय थर्टीन हमारी क्या बनेगी इसकी प्रॉबिटी बनेगी ठीक है सिमिलरली अ रेड फेस कार्ड आपको बताना है तो रेड फेस कार्ड की क्या बनाएंगे हम रेड फेस कार्ड के लिए हम बनाएंगे कि फेस कार्ड होने चाहिए फेस कार्ड्स के साथ में रेड भी होने चाहिए रेड फेस कार्ड तो देखिए रेड फेस कार्ड कौन कौन से होंगे है? अगर हम प्रीवियस वाली स्लाइड में जाएँ तो देखिए यहाँ पर ये रेड है और ये रेड है तो थ्री और थ्री सिक्स तो सिक्स रेड फेस कार्ड हैं तो सिक्स हम बना लेंगे सिक्स डिवाइडेड बाय हमारे जो फेवरेबल टोटल नंबर ऑफ़ आउटकम्स है वो फिफ्टी टू है तो टू थ्री या सिक्स और ये छब्बीस बार तो थ्री बाई ट्वेंटी सिक्स हमारी प्रॉबिटी यहाँ पर बनेगी ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर देखिए टू ऑफ स्पैट्स तो टू ऑफ स्पैड्स अगर हम देखें तो स्पैड्स के टू तो देखिए यहाँ पर स्पैट्स का टू कितना है इस्पैड्स मीन्स पता है ना आपको क्या होता है जैसे कि यहाँ पर देखिए ये स्पेड होता है ये वाला स्पेड होता है तो स्पैड्स का टू कहाँ पर है स्पैट्स का टू यहाँ पर है तो ओनली एक ही स्पेड होता है एक ही टू होता है स्पेड का तो वन बाय कितना बनेगा यहाँ पर वन बाय फिफ्टी टू तो टू ऑफ स्पैट्स मीन्स वन बाय फिफ्टी टू ऐसे टेन ऑफ ब्लैक सूट तो टेन ऑफ ब्लैक सूट ब्लैक ब्लैक का टेन तो ब्लैक के टेन कितने होंगे दो होंगे क्यों क्योंकि ब्लैक सूट के अंदर हमारा एक तो क्लब आएगा और एक हमारा क्या आएगा स्पेड आएगा ठीक है तो इसका भी टेन ले लो इसका भी टेन ले लो तो कितने टेन हो गए टू टेन हो गए तो टू डिडेड बाई टोटल नंबर ऑफ आउट फिफ्टी टू तो टू बाई फिफ्टी टू हमारा किसका बनेगा टेन ब्लैक सूट का इस तरीके से आपको इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है ठीक है चलिए क्वेश्चन नंबर और लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकंड द किंग क्वीन एंड जैक ऑफ क्लब्स आर रिमूव फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 टू प्लेइंग कार्ड्स ठीक है अब इसके अंदर वेरिएशंस आएंगे कि कभी कोई रिमूव कर देगा तो आपको थोड़ा सा सोचना है और बहुत ईजी है कोई दिक्कत नहीं है तो द किंग क्वीन एंड जैक ऑफ क्लब्स आर रिमूट फ्रॉम अ डेक ऑफ फिफ्टी टू प्लेइंग कार्ड्स एंड द वेल शफर्ड वन कार्ड इज सेलेक्टेड फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड्स फाइंड द प्रॉयरिटी ऑफ गेटिंग अ हार्ट ठीक है तो देखिए देखो किंग को हमने रिमूव कर दिया क्वीन एंड जैक ऑफ क्लब्स क्लब्स के किंग क्वीन एंड जैक को हमने रिमूव कर दिया तो जो क्लब था उसकी किंग क्वीन एंड जैक को हमने अगर रिमूव किया तो 52 टोटल कार्ड्स है तो 52 में से हमारा क्लब का किंग क्वीन और जैक मतलब थ्री थ्री कार्ड्स हमारे रिमूव हो चुके हैं तो फिफ्टी टू माइनस थ्री मतलब कितना बचेगा भैया फोर्टी नाइन बचेगा तो फोर्टी नाइन हमारे पास में कार्ड्स अब है अब 49 कार्ड्स को हमने क्या करा एक तरह से वेल शफल्ड किया और उनमें से हम कार्ड्स को निकाल रहे हैं अब जो कार्ड निकालने की प्रॉबर्टी होगी वो आपको बतानी है कि हार्ट की प्रॉबर्टी क्या होगी अ हार्ट अ हार्ट तो हार्ट की प्रॉबर्टी क्या होगी तो हार्ट कौन कौन से होते हैं देखो हार्ट जो होता है ठीक है हार्ट जो होता है वो आपको पता है कैसा होता है टोटल नंबर ऑफ हार्ट्स के जो कार्ड्स होते हैं वो कितने होते हैं थर्टीन कार्ड्स होते हैं कितने कार्ड्स होते हैं हार्ट ठीक है थर्टीन कार्ड्स होते हैं अब देखो थर्टीन कार्ड्स तो हार्ट की प्रॉबर्टी बतानी है तो अ हार्ट तो थर्टीन डिवाइडेड बाय फेवरेबल आउटकम थर्टीन है डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ़ आउटकम्स कितने फिफ्टी टू नहीं है अब फोर्टी नाइन है क्योंकि थ्री कार्ड्स निकल चुके हैं तो थर्टीन डिवाइडेड बाय फोर्टी नाइन ये आपको ध्यान रखना है चलिए अ किंग किंग की प्रॉबर्टी क्या होगी तो देखो किंग हमारा यहाँ पर भी है तो ये किंग हम नहीं लेंगे ये ध्यान रखना ये किंग हमारा नहीं आएगा तो किंग कौन कौन से आएंगे किंग हमारे किंग हमारे तीन आएंगे किंग हमारे तीन आएंगे ये वाला किंग हमारा नहीं आएगा क्लब का किंग नहीं आएगा किस किस का किंग आएगा हमारा स्पेड का किंग आ जाएगा ठीक है हमारा डायमंड का किंग आ जाएगा ठीक है और हमारा किसका किंग आ जाएगा हमारा हार्ट का किंग आ जाएगा ठीक है बाकी हमारा क्लब का किंग नहीं आएगा क्योंकि क्लब का किंग रिमूव हो चुका है तो कितने किंग हो गए टोटल थ्री किंग हो गए टोटल थ्री किंग हो गए तो थ्री डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स मतलब टोटल कार्ड्स अभी हमारे पास में कितने फोर्टी नाइन तो थ्री बाय फोर्टी नाइन अ क्लब चलिए क्लब के हमारे को बतानी है क्या प्रॉविडी तो क्लब कितनी है देखिए क्लब्स में हमारे ये तीन कार्ड्स निकल चुके हैं क्लब्स में हमारे तीन कार्ड्स निकल चुके हैं तो कितने अवेलेबल हैं टोटल कार्ड्स कितने होते हैं थर्टीन थर्टीन में से थ्री कार्ड्स रिमूव हो चुके हैं तो टेन कार्ड्स हमारे क्लब्स के अवेलेबल है तो टेन डिवाइडेड बाय कितने कार्ड्स हैं हमारे पास में अभी फोर्टी नाइन तो टेन डिवाइड बाय फोर्टी नाइन ऐसे ही द टेन ऑफ हार्ट्स हार्ट्स का टेन की प्रॉब्रिटी आपको बतानी है तो हार्ट्स जो होता है हार्ट्स जो होता है उसका टेन जो होता है वो ए ही होता है हार्ट्स का टेन ए ही होता है तो वन डिवाइडेड बाय फोर्टी नाइन ठीक है ये प्रॉबर्टी हमारी यहाँ पर बनेगी इन क्वेश्चन की चलिए आगे क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं सारे टाइप हमने यहाँ पर डिस्कस करने हैं देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड है अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ पैक ऑफ फिफ्टी टू कार्ड फाइन द प्रॉबर्टी द कार्ड इज ड्रॉन इज अ ब्लैक किंग ब्लैक किंग की प्रॉबर्टी क्या होगी तो देखिए यहाँ पर ब्लैक किंग की मैं प्रॉब्रिटी बताता हूँ क्या बनेगी ब्लैक किंग की प्रॉबर्टी जो ब्लैक किंग है वो कितने हैं तो ब्लैक किंग हमारे होंगे देखिए एक तो होगा हमारा इस्पैड के अंदर एक तो होगा हमारा किंग हमारा इस्पैड के अंदर और एक होगा हमारा क्लब के अंदर ब्लैक अगर चाहिए तो दो जगह ही हमारे को किंग दिखेंगे ब्लैक किंग इसपैड के अंदर और क्लब के अंदर तो कितनी प्रॉब्लिटी बन रही है दो बन रही है टू डिवाइडेड बाय टोटल कार्ड्स कितने हैं भैया कुछ रिमूव हुआ है क्या ऐसे नहीं फिफ्टी टू कार्ड्स ये तो टू डिवाइड बाय फिफ्टी टू ठीक है चलिए इधर अ ब्लैक कार्ड और अ किंग तो इधर वाला मैंने केस अभी आपको समझाया था क्या समझाया था कि इधर अ ब्लैक कार्ड और अ किंग तो इधर अ ब्लैक ब्लैक भी हो और उसके साथ में आपके किंग को भी आपको अलग लेना तो ब्लैक कार्ड कितने होते हैं तो देखिए ब्लैक जो कार्ड होते हैं ब्लैक जो कार्ड होते हैं वो होते 13 13 स्पेड के और क्लब के तो 13 13 आपको लेने ले ट्वेंटी सिक्स तो ये कार्ड हो गए और किंग लेने हैं तो किंग कितने आ जाएंगे अब देखो किंग में ध्यान रखना है आप गलती करोगे फोर क्योंकि ब्लैक कार्ड के अंदर इस थर्टीन के अंदर हमारे इंक्लूड हो गए के अंदर दो किंग इंक्लूड हो गए तो आपको किंग दो ही लेने हैं तो ट्वेंटी सिक्स प्लस ट्वेंटी टू करोगे तो कितना आएगा ट्वेंटी एट तो इसकी जो प्रायरिटी बनेगी बेटा वो कितनी बनेगी ट्वेंटी एट डिवाइडेड बाय टोटल कार्ड कितने फिफ्टी टू ये क्वेश्चन अभी हम कर चुके हैं चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं पार्ट थर्ड ब्लैक एंड अ किंग ब्लैक एंड अ किंग मतलब आप समझ गए ब्लैक के साथ में किंग भी हो मतलब ऐसे किंग्स जो ब्लैक हो तो ऐसे किंग्स जो ब्लैक हो कितने हैं बताइए दो ही तो है किंग दो ही है जो कि ब्लैक है तो टू बाई फिफ्टी टू चलिए फोर्थ वाला पार्ट अ जैक क्वीन एंड अ किंग जैक हो क्वीन हो और अ किंग हो अ जैक क्वीन और किंग तो जैक कितने हैं जैक आप कहोगे जैक सर हमारे आ, चार हैं ठीक है क्वीन है. कितने हैं चार हैं किंग कितने हैं चार हैं तो कितने हो गए टोटल ट्वेल्व हो गए तो ट्वेल्व डिवाइडेड बाय फिफ्टी टू ठीक है कुल मिला के ये कहना चाह रहा है फेस कार्ड एक, एक तरह से देखा जाए तो जैक क्वीन और किंग इसका मतलब है ये कहना चाह रहा है फेस कार्ड तो फेस कार्ड की प्रॉयरिटी ट्वेल्व बाई फिफ्टी टू फिफ्थ वाला देखिए नीदर अ हार्ट नॉर अ किंग ना तो हमारा हार्ट होना चाहिए और ना ही किंग तो हार्ट ना आने की प्रोरिटी क्या होगी तो हार्ट कितने होते हैं हमारे थर्टीन होते हैं कितने हार्ट्स होते हैं थर्टीन हार्ट्स होते हैं ठीक है होते हैं ना थर्टीन हार्ट चलो थर्टीन हार्ट होते हैं और नॉर अ किंग किंग आने की प्रॉबर्टी बनी तो थर्टीन तो हमारे हार्ट हो गए प्लस किंग कितने होंगे तो किंग होंगे हमारे चार लेकिन किंग चार होंगे हार्ट के अंदर हमारा इंक्लूड हो चुका है हमारा एक किंग तो हमारे कितने रिमेनिंग किंग बचे तीन किंग बचे तो थर्टीन प्लस थ्री सिक्सटीन तो सिक्सटीन डिवाइड बाय फिफ्टी टू इसकी प्रॉबर्टी बनेगी ठीक है चलिए सिक्स वाला देखिए स्पेड और एन एस यहाँ पे मैं कर रहा हूँ तो स्पैड और एन एस तो देखो इस्पैड हो और उसके साथ में हमारा क्या हो एस हो तो इस्पैड कितने हैं हमारे पास में बताइए इस्पैड हमारे पास में कितने हैं तो इस्पैड अगर आप देखोगे तो इस्पैड हमारे पास में हमारे पास में तेरह इस्पैड होते हैं। होते हैं ना तेरह थर्टीन स्पैड्स होते हैं और थर्टीन स्पैड कार्ड्स होते हैं और एस हमारे पास में कितने होते हैं एस होते हैं हमारे पास चार कितने होते हैं चार तो स्पैड के अंदर हमारा एक एस तो आ चुका है जो हम थर्टीन कार्ड्स ले रहे हो उसमें एक एस तो आ चुका है बचे कितने तीन तो थर्टीन प्लस थ्री कितना होता है सिक्सटीन सिक्सटीन डिवाइड बाई फिफ़्टी टू ठीक है चलो सिक्स ये हो गया हमारा इसको देखो आप रिड्यूस कर सकते हो ट्वेल्थ डिवाइड बाई फिफ़्टी टू की हम रिड्यूस नहीं कर रहे हैं लेकिन आप यहाँ पर रिड्यूस कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है रिड्यूस आप कर लीजिएगा नीदर अ रेड कार्ड नॉर है क्यों देखो ना तो रेड कार्ड हो और ना ही Queen हो तो रेड कार्ड कितने हैं हमारे पास में ट्वेंटी ट्वेंटी हो गई एक तरह से देखा जाए तो तो दो तो हमारी शामिल हो गई दो क्वीन को और हटाना है तो ट्वेंटी सिक्स तो हमारे वो हो गए रेड कार्ड प्लस टू क्वीन को और हटा दो आप तो ट्वेंटी एट क्वीन हमारी हट जाएगी तो नीदर अ क्वीन इनकी क्या प्रॉयरिटी बनेगी ट्वेंटी चलिए आगे बढ़ते हैं देखिए फिर नेक्स्ट है हमारे पास में नीदर एन एस नॉर अ किंग इसकी क्या प्रॉबर्टी बनेगी तो ना तो एस हो ना ही क्वीन किंग uh, हो तो एस कितने हैं हमारे पास में एस है हमारे पास में चार कितने एस होते हैं हमारे पास में चार और नॉर अ किंग और किंग कितने होते हैं हमारे चार तो टोटल कितने हो गए हमारे पास में आठ आठ डिवाइडेड फिफ्टी टू इसकी प्रॉबर्टी बनेगी अदर देन एन एस देखिए एस के अलावा उसकी प्रॉबर्टी बतानी तो एस कितने होते हैं चार चार के अलावा कितने पत्ते हो गए तो टोटल 52 है तो 52 में 52 में से माइनस कर दो फोर तो कितना आएगा 48 तो 48 एट डिवाइड बाय फिफ्टी टू इसकी प्रॉयर्टी अदर देन इसकी हमारे को प्रॉयर्टी निकालनी कुल मिला के अब टेन टेन की प्रॉयर्टी निकालनी तो टेन कितने होंगे तो टेन आपका स्पेड में भी दिखेगा क्लब में भी दिखेगा हार्ट में भी दिखेगा डायमंड में भी दिखेगा टोटल टेन कितने दिखेंगे फोर दिखेंगे तो फोर डिवाइड बाय टोटल फिफ्टी ठीक है स्पेड स्पेड की प्रॉबर्टी क्या बनेगी स्पेड कितने हैं तो स्पेड हमारे पास में थर्टीन कार्ड्स होते हैं तो थर्टीन डिवाइड बाई फिफ्टी टू इसकी प्रॉबर्टी बनेगी ठीक है अब ब्लैक कार्ड देखो ब्लैक कार्ड की प्रॉपर्टी क्या बनेगी तो ब्लैक कार्ड मैंने आपको बताया थे थर्टीन तो हमारा किसका होगा क्लब का और थर्टीन होगा हमारा इस पैड का 26, 26 52, clubs, तो टोटल कार्ड कितने हो गए ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी डिवाइड बाई फिफ्टी टू ब्लैक कार्ड की प्रॉवर्टी बनेगी द सेवन ऑफ क्लब्स तो क्लब्स की सेवन की प्रॉपर्टी क्या बनेगी तो क्लब का सेवन जो है वो एक ही है तो वन अपॉन फिफ्टी टू हमारी इसकी प्रॉबर्टी बनेगी सिंपल सी बात है जैक की प्रॉबर्टी क्या बनेगी तो जैक कितने हैं जैक है हमारे पास में चार चार जैक होते हैं ठीक है थीके? सब में होते हैं ना क्लब में भी होगा स्पैड में भी होगा ठीक है डायमंड में भी होगा हार्ट में भी होगा तो टोटल जैक कितने हो गए फोर फोर डिवाइड बाई फिफ्टी टू हमारी इसकी प्रॉबोरिटी बनेगी द एस ऑफ स्पैट्स ठीक है स्पेड का एस की प्रॉयरिटी आपको बतानी है तो स्पेड का एस कितना होगा स्पेड के ए की एस होगा तो वन बाय फिफ्टी टू इसकी प्रॉब्टी बनेगी आपकी अ क्वीन क्वीन की प्रॉयरिटी कितनी बनेगी तो क्वीन कितनी है भैया क्वीन हमारे पास में फोर क्वीन्स होती है स्पेड क्लब हार्ट डायमंड चारों की हमारी चार क्वीन होती है तो फोर बाय फिफ्टी टू इसकी प्रॉयरिटी बनेगी ठीक है अ हार्ट हार्ट की प्रायोरिटी क्या बनेगी तो हार्ट के हमारे कितने कार्ड्स होते हैं थर्टीन कार्ड्स होते हैं तो हार्ट की प्रायोरिटी कितनी बन गई हमारी थर्टीन बाय फिफ्टी टू बन गई और रेड कार रेड कार्ड की प्रायोरिटी क्या बनेगी तो रेड कार की जो प्रायोरिटी है देखिए रेड कार्ड कितने होंगे थर्टीन तो हमारे किसके हो गए डायमंड के हो गए और थर्टीन हमारे किसके हो गए हार्ट के, के हो गए तो टोटल कार्ड्स कितने हो गए रेड कार्ड ट्वेंटी सिक्स टू ट्वेंटी सिक्स डिवाइड बाई फिफ्टी टू प्रॉबर्टी बन गई इस तरीके से आपको प्रॉबर्टी के क्वेश्चन करने हैं जितने भी हमारे कार्ड्स के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आएंगे वो इसी टाइप से आपके क्वेश्चन आएंगे बस आपको ये इधर वाला केस ध्यान रखना है इधर ब्लैक कार्ड और किंग एंड वाला केस आपको ध्यान रखना है कि एंड में हम क्या करते हैं इधर वाले केस में अपन क्या करते हैं ये सारी चीजें आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है बहुत ही इजी से क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से तो कार्ड्स के ऊपर जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं जिस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सारे टाइप हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए शेयर कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे थैंक यू सो मच